हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू या शिक्षा तो कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपेशन अच्छे से चल रही होगी सबकी किसी ने भी ई की तैयारी छोड़ी नहीं होगी जिन बच्चों ने ई का पेपर भरा है डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं होना कि सर अब पता नहीं कब होगा 2021 में कब होगा कब नहीं होगा होने को क्या आपका जब कैलेंडर आए 2021 के जनवरी या फरवरी में ही हो जाए हैं तो इसीलिए तैयार रहना है तैयारी रखनी है बहुत अच्छा पेपर है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा अपने पास अब टाइम आ गया है कि हम इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ठीक है चलिए जी इंडस्ट्रियल रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्यूट्स देख लिया क्या होते हैं सारी चीज़ें हमने डिस्प्यूट्स के बारे में समझ लिया किस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं और इम्प्लॉयज़ किस तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं स्ट्राइक्स वगैरह सारी चीज़ें हमने समझ समझ ली अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रोसेस क्या होता है ठीक है स्ट्राइक तो एक मेथड है एक क्रोजिव मैथड है जिसको इम्प्लॉयज़ यूज़ करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयर के खिलाफ लेकिन उसके अलावा क्या कोई मेथड है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इमर्ज हो रहा है या सिचुएशन बन रही है कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या उसको सॉल्व करने का कोई तरीका है ये हमारा जो है एजेंडा रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का ठीक है मैं आपको अभी यह भी, भी बताऊंगा कि हम इस लेक्चर में करेंगे क्या बस एक मिनट के समय में आपको पता चल जाएगा कि हम इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ठीक है इसके अलावा हमारी और भी प्ले हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगी ठीक है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है जिसमें अकाउंट्स आपको कराया जा रहा है ई के लिए तो वो सब आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें चलिए तो डिस्प्यूट अब हो गया लेकिन क्या डिस्प्यूट हो गया तो बस वो खत्म हो गया उसको ऊपर मिट्टी डाल दे नहीं आपके पास अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ है या डिस्प्यूट हुआ है तो आपको उसको सेटल करना पड़ेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगी अगर आप ये सोच लो कि डिस्प्यूट हो गया कन्फ्लिक्ट हो गया कोई बात नहीं हमें क्या करना रहने दो नाराज़ ऐसा नहीं होता तो हर डिस्प्यूट के बाद एक सेटलमेंट प्रोसेस जो है ये शुरू किया जाएगा मस्ट है कि आप एक सेटलमेंट प्रोसेस शुरू करो अब सरकार इसमें बीच में आ जाती है सरकार ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाए हैं जिससे पहली बात तो इस डिस्प्यूट की अक्रेंस को रोका जा सके और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल करना है वो देखा जा सके अब इसके लिए कुछ स्टैटूटरी मेजर्स हैं कुछ नॉन स्टैटूटरी मेजर्स हैं स्टेटूटरी नॉन स्टैटूटरी आप जानते हो स्टेटूटरी मेजर्स वो होते हैं जो किसी एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हो और नॉन स्टैटूटरी मेजर्स ऐसे होते हैं जो किसी एक्ट के द्वारा नहीं होते ठीक है स्टेटूटरी मेजर्स में तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून पास किया है तो जाकर वो स्टेटरी प्रोविजन बनेंगे ठीक है तो अब हम इस लेक्चर में आज डिस्कस क्या करेंगे इस लेक्चर में हम ये सारे मेजर्स ऑफ सेटलमेंट देखेंगे हम स्टेट्यूटरी मेजर्स को भी देखेंगे और नॉन स्टेटुटरी मेजर्स को भी देखेंगे ठीक है स्टेटुटरी मेजर्स में आपके डिफरेंट मेजर्स आ जाएंगे जैसे वर्क्स कमेटी आ जाएगा कंसिलियेशन आ जाएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आ जाएगा एडजुडिकेशन अथॉरिटीज आ जाएगा और नॉन स्टेटुटरी मेजर्स में आ जाता है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कलेक्टिव बारगेनिंग ग्रेवियंस प्रोसीजर ट्रिप ट्राइपेटाइट बॉडीज कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स तो एक एक करके इन सबको शुरू करेंगे और शुरुआत करेंगे हम किससे वर्क्स कमेटी से ठीक है तो सबसे पहले जानते हैं वर्क्स कमेटी

वर्क्स तो कमेटी आपका सेक्शन थ्री जो है वो फॉर्म करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 का ये एक बाइपोटा होता है कॉम्पोजिशन में bipartite का क्या मतलब होता है इसके अंदर आपके मैनेजमेंट के लोग भी होंगे और वर्किंग क्लास यानी कि लेबर जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो भी लोग होंगे ओके तो दोनों साइड से इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अब इसका मेन काम क्या होता है इस वर्क कमेटी का मेन काम क्या होता है कि ये जो भी फ्रिक्शन है जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी इश्यूज़ हैं इम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में जो उनकी डे टू डे वर्किंग से कंसर्न्ड हैं उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है और गुड रिलेशंस दोनों के बीच में प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी अब सेक्शन थ्री आता है आपका जो सेक्शन थ्री कहता है कि जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है अगर उस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में सौ से ज्यादा इंप्लाइज काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये मैंडेटरी है उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो एक वर्क्स कमेटी बनाए और इस वर्क्स कमेटी में इंप्लायर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सीधा सीधा एम पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड एम भी पूछा जा सकता है ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंडेटरी है हंड्रेड से ज्यादा वर्कर्स के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है और इसीलिए आपके लिए एम सी क्यू कोर्स जो है हमारा वो काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है आप उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा जल्दी वो एम सी क्यू कोर्स आपको वीडियो फॉर्मेट में भी मिल जाएगा ठीक है लेकिन वो पेड कोर्स रहेगा चलिए अब इस कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे वर्कर्स के और एम्प्लॉयर्स के तो ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं किया गया लेकिन एक्ट ने सीधा सीधा ये बोला है कि जितने मेंबर्स मैनेजमेंट के होंगे एम्प्लॉयर के होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स वर्कर्स के भी होने चाहिए फॉर एग्जांपल अगर पाँच छः लोग हैं ठीक है तो तीन वर्कर्स के तीन के तो इस तरह से जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी में रखनी होगी और इसीलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने लेवल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 वर्क कमिटी से रिलेटेड और किस तरह से वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाएगा क्या उनका टर्म ऑफ ऑफिस होगा तो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग रूल्स बनाया उसमें हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और सेंटर ने भी अलग से रूल्स बनाया सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लेकिन उस डिटेल में जाने के लिए हमें ज़रूरत हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है चलिए वर्क्स कमिटी यहां पर हमारा हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसीलिएशन अब कंसीलिएशन दो तरीकों से होता है एक तो होता है सिंगल आपने ऑफिसर अपॉइंट कर लिया कंसीलिएशन ऑफिसर और दूसरा होता है अगर कंसीलिएशन ऑफिसर फेल हो जाता है तो एक पूरा बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन बनाया जाए तो दोनों के बारे में समझते हैं यहाँ पर चलिए ठीक है तो कंसीलिएशन क्या प्रोसेस होता है कंसीलिएशन एक प्रोसेस होता है जहां पर एक पर्सन जो है वो दोनों जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है उनके बीच में बैठेगा और उनके व्यूज को रिकनसाइल करने की कोशिश करेगा और उनको आपस में एक एग्रीमेंट में लाने की कोशिश करेगा ठीक है अब पहला प्रोसेस क्या होगा कि आपको एक क्वालिफाइड कंसिलियेटर अपॉइंट करना पड़ेगा और ये कंसिलियेटर न्यूट्रल होना चाहिए ठीक है ना तो ये वर्कर्स के तरफ पक्षपात होना चाहिए ना ही इंप्लायर्स की तरफ पक्षपात होना चाहिए न्यूट्रल होगा तभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर ये बायस्ड होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती अब देखो कॉन्सिलेटर का मेनली काम क्या होता है कुछ इसका बहुत ज्यादा खास काम नहीं होता इसका काम क्या होता है ये दोनों के बीच में बैठ के जो दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है उनके बीच में बैठ के सिंपली बस उनकी बातों को सुनेगा ठीक है उनके जो इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कोई जजमेंट पास नहीं करेगा कि नहीं तुम गलत हो तुम सही हो तुम सही हो तुम गलत हो कुछ जजमेंट पास करने की कोशिश नहीं करेगा इश्यूज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स कह रहे हैं कि हमारी सैलरीज बढ़ा दीजिए इंप्लॉयर कह रहा है नहीं सैलरीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है अगर हमने और ज्यादा सैलरीज बढ़ा दी तो जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा और कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर ये यह जजमेंटल नहीं होगा कि वर्कर्स सही है वेजेस बढ़ाने के लिए या इंप्लॉयर की बात सही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा यहां पर ये यह बिना जजमेंटल हुए ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि प्रॉब्लम दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन पॉइंट दोनों के बीच में है वो है वेजेस का ठीक है तो फ्रिक्शन पॉइंट इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया किसी चीज पे इसने डिसाइड नहीं किया किसी चीज पे ये जजमेंटल नहीं हुआ अल्टीमेटली क्या होगा जब ये दोनों आपस में देखिए दो पार्टीज जो है आपस में बैठ गई है इंप्लॉय यहां पर वर्कर्स बैठ गए यहां पर इंप्लायर्स बैठ गए वर्कर्स कह रहे हैं वेजेस बढ़ाइए ठीक है ठीके? पहले एक दूसरे की दोनों बात सुनने को तैयार नहीं थे ये कह रहे थे हम स्ट्राइक पे जाएंगे ये कह रहे थे तुमने स्ट्राइक पे जाना है तो जाओ मैं लॉकआउट कर दूंगा स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होता है ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं ठीक है अब यहां पर लेकिन ये कंसिलेटर बैठ गया अब कंसिलेटर ने कहा कि देखो बेटा ऐसा है दोनों यहां पर बैठो और दोनों यहां पर बैठ के एक दूसरे की बातें सुनो तो वर्कर्स ने अपनी सुना दी कि वेजेस चाहिए भाई दाल रोटी महंगी होगी इंप्लायर्स ने अपनी सुना दी कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया कंपनी लॉस में जाना शुरू हो जाएगी तो वैसे ही नौकरियां चली जाएंगी तो अल्टीमेटली दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी बिकॉज़ ऑफ दिस कंसीलिएटर इस कंसीलिएटर ने कुछ नहीं किया अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर और कंसीलिएटर का इसने रोल ये किया कि उसने एक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करी कि प्रॉब्लम क्या है ठीक है तो एक सपोर्टिव रोल इसने प्रोवाइड किया अल्टीमेटली फाइनल स्टेज पे क्या होगा पार्टी खुद से कंसेंसस पे रीच करेंगी खुद से कंसेंसस पे पहुंचेंगी वर्कर समझेंगे बात एम्प्लॉयर की कि हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट को भी मेंटेन करना जरूरी है तो अगर ये पहले दो सौ रुपए कह रहे थे बढ़ाने को तो ये कहेंगे चलो ठीक है आप सौ रुपए बढ़ा दो हमारे बस ठीक है और इंप्लॉयर भी समझेगा बात कि हाँ भैया दाल रोटी महंगी हो गई है बच्चों को भी पढ़ाना महंगा हो गया तो दो सौ नहीं अब ये सौ कह रहे हैं तो सौ बढ़ा देते हैं तो एक कंसेंसस आ गया दोनों ने म्यूचुअली

सेम इफेक्ट होगा जैसा आर्बिट्रेशन अवार्ड का इफेक्ट होता है ठीक है? तो फंडा क्लियर हो गया पर सीधा -सीधा वो जजमेंट पास करता है नहीं वो जजमेंट पास नहीं करता ठीक है तो ये सारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंसिलियशन मशीनरी होती क्या अब सेक्शन फोर ने कहा

ठीक है पॉलिटी में भी हम पढ़ते हैं बहुत सारी और बॉडीज बो, को सिविल कोर्ट की पावर दी जाती है सिविल कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स जाती है सिविल कोर्ट सू कर सकता है किसी को भी नोटिस भेज सकता है किसी को भी बहुत सारी पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट के पास ठीक है तो पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट दे दी जाएंगी अब इसी एक्ट ने यह भी कह दिया कि ये जो कंसिलिएशन ऑफिसर है अगर ही फेल्स टू अराइव एट अ सेटलमेंट कंसेंसस दोनों बॉडीज के बीच में दोनों डिस्प्यूटिंग बॉडीज के बीच में कंसेंसस नहीं होता तो यह कंसिलियन ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाकर के गवर्नमेंट को भेजेगा ठीक है अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा अगर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है तो रिक्वायर्ड स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा ठीक है अब कंसिलियशन ऑफिसर का प्रोसेस फेल हो गया तो इसी एक्ट में यह भी बोला गया कि अब उस सरकार के पास ये पावर होगी कि वो एक बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन बनाए अभी तक सिर्फ एक सिंगल कंसीलिएशन ऑफिसर था अब एक बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन बनाए ठीक है अगर कंसिलियन ऑफिसर चौदह दिन के अंदर अंदर किसी कंसेंसस में पहुंचने में असफल रहा तो यह माना जाएगा कि कंसिलेशन ऑफिसर हैज फेल्ड और फिर एक बोर्ड ऑफ कंसिलेशन बनाने की पावर दी जाए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपसे डायरेक्टली आपके इंडस्ट्रियल लॉ वाले पार्ट में पूछे जा सकते हैं ठीक है अब ये जो बोर्ड ऑफ कंसिलियन होगा जिसको बनाने की बात की जा रही है ये टाइप होगा ठीक है यानी कि इसमें सरकार के लोग भी होंगे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे ठीक है अब इस बॉडी का एक चेयरमैन होगा और इसके अलावा दो या चार मेंबर जितने भी अपॉइंट करने हैं वो किए जा सकते हैं ठीक है अब इस बोर्ड का, का काम करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कंसीलिएशन का ऑफिसर का काम करने का तरीका है कंसीलिएशन ऑफिसर के काम करने के तरीके में हमने क्या देखा था कि भैया कोई जजमेंट पास नहीं करेगा न्यूट्रल रहेगा कोई डिसीजन नहीं कर रहा इट इज बेसिकली ट्राइंग कि ये आपस में खुद ही कंसीलिएट हो जाए कंसीलिएशन का मतलब ये होता है अगर ये फैसला देने वाला होता तो फिर तो आर्बिट्रेशन कहते हैं या ट्रिब्यूनल कहते हैं। आर्बिट्रेशन या ट्रिब्यूनल जो हैं, हैं। कंसिलियट थोड़ी करते हैं वो ठीक है चलिए तो इसका काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा अब कंसिलेशन मशीनरी क्या कहती है कि अगर सरकार ने कंसिलेशन ऑफिसर या एक कंसिलेशन बोर्ड बना दिया अगर किसी भी डिस्प्यूट को एक कंसिलेशन बोर्ड को रेफर कर दिया तो उसके बाद सरकार पाबंदी लगा सकती है अगर कोई स्ट्राइक चल रही थी या लॉकआउट चल रहा था डिस्प्यूट की वजह से और सरकार ने अब कंसिलेशन बोर्ड बना दिया तो सरकार अब ये कह सकती है कि भैया अब तुम्हें अपनी स्ट्राइक और लॉकआउट बंद करना पड़ेगा अब यह कंसिलेशन बोर्ड तुम्हारे डिस्प्यूट को देखेगा और जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाता तब तक तुम ये स्ट्राइक और लॉकआउट को कंटिन्यू नहीं करोगे अल्टीमेटली ये जो कंसिलियेशन बोर्ड होगा इसको अपनी एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी दो महीने के अंदर अंदर ठीक है जब भी इसको डिस्प्यूट रेफर किया उसके बाद इसको दो महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक है जी अब अगर सेटलमेंट अराइव हो जाती है और एग्रीमेंट साइन हो जाता है डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में तो ये एग्रीमेंट किस किस के ऊपर वैध रहेगा किस किस के ऊपर इसको लागू किया जाएगा जो भी लोग थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो पार्टीज थी जिनको भी समन किया था प्रोसीडिंग्स में आने के लिए डिस्प्यूट में कंसिलेशन बोर्ड ने वो सब इंप्लॉयर्स उनके हेयर्स उनके सक्सेसर्स और सारे वर्कमैन जो उस समय पे उस establishment में employed थे, तो ये सब ये सबके ऊपर जो है, अब क्या होगा बाइंडिंग होगा अगर एग्रीमेंट साइन दोनों के बीच में हो जाता है, ठीक है चलिए, ये था आपका conciliation process, conciliation officer और board of conciliation दोनों देख लिया अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलिए तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जिक्र है सेक्शन सिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, ठीक है? इसको भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती हैं अगर आपका कंसीलिएशन बोर्ड भी फेल हो जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने में तो देख रहे हो पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है पहले कंसीलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया अगर कंसीलिएशन ऑफिसर फेल हो गया तो कंसीलिएशन बोर्ड आ गया अब अगर कंसीलिएशन बोर्ड फेल हो जाएगा तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आ जाएगा तो पूरा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है ठीक है अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया जाएगा अगर कंसिलेशन बोर्ड फेल हो गया और इसके बारे में भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जिक्र किया गया है अब ये क्या कहता है जो आपका सेक्शन 6 है ये कहता है कि जो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा इसमें एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्संस होंगे जो रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है ओके okay? और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं इसमें पर लिखा है ना कि एक या एक से ज्यादा व्यक्ति इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मेंबर हो सकते हैं अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति को चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा साथ ही साथ एक्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं फॉर एग्जाम्पल चार लोग हैं पांच लोग हैं तो कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तब भी काम कर सकता है अगर चेयरमैन एबसेंट है उस मीटिंग से ठीक है एक क्वारम डिसाइड करेगी गवर्नमेंट की इतना अगर पांच लोग हैं तो भैया तीन लोगों का है, तो अगर, लोग साथ साथ अगर पांच लोगों की बॉडी है ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और अभी तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तब तक फंक्शन नहीं कर सकता जब तक चेयरमैन अपॉइंट ना हो जाए तो ये दोनों चीजें अलग अलग है कि चेयरमैन का एब्सेंट होना तो कोरम है तो मीटिंग हो सकती है अगर चेयरमैन है ही नहीं अपॉइंट ही नहीं हुआ तो नहीं हो सकती तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है ठीक है अब ये जो कोर्ट है ये ऐसे लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो इंडस्ट्रियल लॉ और लेबर रिलेशन के मामले में एज एसेसर्स टू एडवाइस ठीक है कि वो एसेस करें और एडवाइस करें जो कोर्ट है उसको ठीक है अल्टीमेटली कोर्ट को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है सरकार को छह महीने के अंदर अंदर जब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाया उसके बाद से ठीक है जी चलिए अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडजुडिकेशन जब हम अब एडजुडिकेशन की बात करते हैं यानी कि एक थर्ड पार्टी आपने अपॉइंट कर ली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर ली अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है उनके कंसेंट से अपॉइंट की जाए उनके कंसेंट के बिना भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है ठीक है तो अब जो एडजुडिकेशन मशीनरी जो सेट करता है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये एक थ्री स्ट्रक्चर सेट करता है जिसमें पहले आ जाते हैं आपके लेबर कोर्ट्स फिर आ जाते हैं आपके इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और फिर आ जाते हैं आपके नेशनल ट्रिब्यूनल्स तो एक एक करके इन सबके बारे में हम पढ़ लेते हैं चलिए सबसे पहले आ जाते हैं लेबर कोर्ट्स आपके तो लेबर कोर्ट एक एडजुडिकेशन मशीनरी का पार्ट अमेंडमेंट एक्ट 1956 से बने ओरिजिनल 1947 के एक्ट में लेबर कोर्ट्स के बारे में जिक्र नहीं था 1956 की अमेंडमेंट के साथ लेबर कोर्ट्स का प्रोसेस जो है वो डाला गया अब ये जो लेबर कोर्ट्स होते हैं ये किस किन मैटर्स के ऊपर एडजुडिकेट कर सकते हैं ऑफ ऑर्डर पास बाय एम्प्लॉयर अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर कि क्या वो ऑर्डर सही था एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन विड्रोअल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज इलिगैलिटी ऑफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट ऑल मैटर्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल तो एक चीज आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी याद रखनी है कि जो ये लेबर कोर्ट्स होते हैं ये थर्ड शेड्यूल में जो मैटर्स जो डिस्प्यूट जो लिस्टेड हैं उनके ऊपर काम नहीं करते हैं ठीक है अभी थर्ड शेड्यूल में कौन से मैटर्स लिस्टेड हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम अभी ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखेंगे तो अभी के लिए आपने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सेकंड शेड्यूल ये सारे मैटर्स जो है सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है तो इन सारे मैटर्स के ऊपर तो आपके लेबर कोर्ट्स काम कर सकते हैं लेकिन जो मैटर्स थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड है उनके ऊपर आपके लेबर कोर्ट्स काम नहीं कर सकते ठीक है साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि लेबर कोर्ट जो है इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा

तो कौन मेंबर बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है ही इज और हैज बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट करंट जज या रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट ही हैज फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन थ्री इयर्स बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ओके इफ ही इज नॉट द जज ऑफ हाई कोर्ट देन ही मस्ट हैव बीन

चलिए अब जैसे लेबर कोर्ट्स को अपॉइंट करने की पावर सरकार के पास है वैसे ही इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाने की पावर भी सरकार के पास है लेबर कोर्ट्स की तरह ही जो ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनेंगे आपके ये भी सिर्फ एक ही पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको अपॉइंट कर सकती है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स वो हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट करती हैं ठीक है अब क्वालिफाइड कौन है स्टेट गवर्नमेंट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए तो वो व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज रहा हो ठीक है और ही हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नेट नॉट लेस देन थ्री इयर्स बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तो यहां पर सिर्फ दो ही कंडीशंस है जिस केस में एक बंदे को आप अपॉइंट कर सकते हो एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पर लेबर कोर्ट के केस में आप और किन को अपॉइंट कर सकते थे आप एक ऐसे व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते थे जिसने कोई भी जुडिशियल ऑफिस रखा है सात साल तक आप एक ऐसे व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते थे जो किसी भी लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हो ठीक है लेकिन यह वाली दोनों सिचुएशंस आपके इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के केस में नहीं है ठीक है जी चलिए उसके बाद इस एक्ट ने अधिकार दिया है सरकारों को कि वो असिस्ट करने के लिए इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एस को अपॉइंट कर सकती है दो एस की परमिशन दी गई है कि दो पर एसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी अवार्ड अब ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अनाउंस करेगा जो भी जजमेंट ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अनाउंस करेगा इट इज नॉट अपीलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ठीक है अगर वर्कर्स के केस में जजमेंट आ गया वर्कर्स के फेवर में जजमेंट आ गया तो इंप्लॉयर अब इस जजमेंट को लेकर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो हमारा दोबारा सुनवाई करो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है अब ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होते हैं ये दोनों सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल के मैटर्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं सेकंड शेड्यूल ऑलरेडी देख लीजिए थर्ड शेड्यूल में क्या क्या आता है थर्ड शेड्यूल में आ जाता है आपका वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंसेज आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज बोनस प्रॉफिट शेयरिंग प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी शिफ्ट वर्किंग अदर वाइज देन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड रैशनलाइजेशन रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर एंड क्लोजर ऑफ स्टेबलिशमेंट एनी अदर मैटर ओके तो ये सारी चीजें आपके थर्ड शेड्यूल में आ जाती हैं चलिए अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भी सेम पावर होते हैं जैसे एक सिविल कोर्ट के पास यानी कि इट कैन एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन उसको ओथ दिलवा सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इशूइंग कमीशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ये सारे सिविल कोर्ट्स के पावर होते हैं तो ये सेम पावर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के पास भी होते हैं चलिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स भी हो गया अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल ट्रिब्यूनल्स स्टेटुटरी मेजर्स में और उसके बाद फिर नॉन स्टैच्यूटरी मेजर्स को शुरू करेंगे चलिए तो नेशनल ट्रिब्यूनल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एक या एक से ज्यादा नेशनल ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल ट्रिब्यूनल को तब कॉन्स्टिट्यूट करेगी जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का बन गया हो ठीक है या फिर कोई एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है जो एक से ज्यादा स्टेट में जिसकी प्रेजेंस है ठीक है तो कौन सी स्टेट अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाएगी तो ऐसे केस में जहां पर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलब्लिशमेंट की प्रेजेंस एक से ज्यादा स्टेट में है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल ट्रिब्यूनल बना देती है या तो केस जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या एक से ज्यादा स्टेट में स्टैब्लिशमेंट हो ठीक है अब जैसे आपके लेबर कोर्ट्स थे और स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स थे वैसे ही आपके नेशनल ट्रिब्यूनल्स भी हैं इसको भी इसमें भी आप एक ही व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो ठीक है अब इस पर्टिकुलर नेशनल ट्रिब्यूनल

नहीं तो आप नहीं बन सकते ठीक है जी चलिए साथ ही साथ एक और कंडीशन भी लगा दी गई है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी एज 65 फाइव ईयर से कम होनी चाहिए यह लेबर कोर्ट और नेशनल ट्रिब्यून सॉरी स्टेट ट्रिब्यूनल्स के केस में नहीं था और इनको भी असेसर्स अपॉइंट करके दे सकती है सरकार मैक्सिमम दो असेसर्स अपॉइंट करने की परमिशन नेशनल ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी दी गई है चलिए अब ये हो गया नेशनल ट्रिब्यूनल प्रोसेस सारा सेम ही है ओके okay, अब आ जाते हैं हम हमारे नॉन स्टेटरी मेजर्स पे नॉन मेजर्स में अगर आप देखें आपके अलग अलग चीजें आ जाती हैं जैसे वर्कर पार्टिसिपेशन आ जाता है कलेक्टिव ग्रीवियंस प्रोसीजर बॉडीज कोड ऑफ डिसिप्लिन स्टैंडिंग अब आप एक चीज समझिए पर ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग और ग्रीवियंस प्रोसीजर का टॉपिक है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में ठीक है तो हम इसको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे वीडियोज इसके बने हुए हैं देख लेना इसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ये जो ट्राइपेटाइट बॉडीज और वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है इन दो टॉपिक्स को अभी हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अपकमिंग लेक्चर्स में इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड दूंगा ठीक है उसके बाद कोड ऑफ डिसिप्लिन और स्टैंडिंग ऑर्डर्स को देखेंगे वर्कर्स तो को एक डिसीजन मेकिंग एरिया में इन्वॉल्व किया गया ठीक है वर्कर्स को मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया गया ठीक है तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को एक काफी ज्यादा पावरफुल टूल माना जाता है क्योंकि इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है वर्कर के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद को रिलेट करता है वो उसको ऐसा लगता है कि हाँ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू है एक तरफ आप सिर्फ जो है वर्कर के ऊपर बस हुक्म चलाए जा रहे हो कि ये कर ये कर ये कर ये कर उसको लगेगा यार मैं नौकर आदमी रही हूं मेरे को क्या लेना ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी जगह आप कुछ करना है आपको न आपने वर्कर को अपने पास बुलाया उसको पूछा रमेश हमें ये करना है तुम क्या कहते हो ठीक है उसे कुछ पता भी नहीं होगा ना उसके बारे में उसके बावजूद उसको खुशी हो जाएगी कि वाह रे वाह मेरी पूछ है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ये ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी वाली फीलिंग आएगी ठीक है और इससे दूसरा फायदा क्या होता है क्योंकि वर्कर्स के साथ डायरेक्टली लिंक रहता है मैनेजमेंट का तो अगर कोई भी एक्सप्लोइटेशन वर्कर्स फेस कर रहे हैं तो वो टॉप मैनेजमेंट और ओनर्स तक बात पहुंच जाएगी क्योंकि वर्कर्स कभी ना कभी मीटिंग में आएंगे तो फिर वो अपनी बात रख देंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है हमारे साथ ये बुरा हो रहा है हमें पीने को साफ पानी नहीं मिलता तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी चेक हो जाएगी ओनर्स के थ्रू नहीं तो कई बार क्या होता है ओनर्स को पता ही नहीं चलता कि ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या है ठीक है ना चलिए अब काफी तरीके होते हैं डब्ल्यूपीएम के भी जैसे वर्क्स कमेटी हो गया ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल हो गया शॉप काउंसिल हो गया ज्वाइंट काउंसिल हो गया और यूनिट काउंसिल हो गया अभी हम इनको यहां पर बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल में इन्हें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का पूरा एक अलग टॉपिक है पूरा एक अलग से टॉपिक करेंगे वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का ठीक है तो वर्क कमेटी क्या हो गया अब इसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉयज के भी ठीक है उसके बाद एक जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल होती है ये उन इस्टेबलिशमेंट्स में होती है जहां पर 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो और इसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखनी होती है वर्कर्स और मैनेजमेंट की यूनिट काउंसिल क्या होता है यूनिट काउंसिल को हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाना कंपलसरी होता है अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जहां पर 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एक यूनिट में इंडस्ट्री के अलग अलग यूनिट होते हैं ना और इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ रहेंगे ओके okay? और जो भी यूनिट काउंसिल डिसीजन लेती है वो कंसेंसस बेसिस पे उसको लिया जाता है वोटिंग के बेस पे नहीं सारे इंप्लॉय जब एग्री करेंगे सारे जब मेंबर जो यूनिट काउंसिल के मेंबर हैं जब वो एग्री करेंगे तभी उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा वोटिंग के ऊपर नहीं उसके बाद आती है आपकी शॉप काउंसिल शॉप काउंसिल भी बड़े इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स में जिसमें पाँच सौ से ज़्यादा वर्कर हैं वहाँ पर ये बनाई जाती हैं इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसमें वर्कर और मैनेजमेंट के इन काउंसिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि कॉमन गोल्स को अचीव करने में कैसे एक सर, एक तरह से जो है संधि बनाई जाए कि प्रोडक्शन बढ़ानी है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एफिशिएंसी बढ़ानी है वेस्टेज को कम करना है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे मैक्सिमम हो तो इस तरह की चीजों को हेल्प करता है ये अचीव करने में मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी उसके बाद आप क्या जाते हैं जॉइंट काउंसिल्स ये भी हर इंडस्ट्रियल यूनिट जो 500 से ज्यादा वर्कर्स को अपॉइंट करती है उसमें बनाने

तीनों तीन क्शन पार्टिसिपेट करते हैं एक आ जाती है आपकी सरकार एक आ जाता है आपका जो है एम्प्लॉयर्स और एक आ जाते हैं आपके एम्प्लॉय ठीक है तो टाइपेटाइट स्ट्रक्चर आई मेन सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है इस टाइपेटाइड कॉर्पोरेशन का क्योंकि इसमें आई का ये मानना है कि सोशल पार्टनर्स जो है मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में ठीक है और क्योंकि आई 1919 में बन गया था उसके बाद कंटिन्यूस प्रेशर जो है सरकार के ऊपर भी आज़ादी के बाद भारत सरकार के ऊपर भी रहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप भी एक ऐसा ट्राइपेटाइट स्ट्रक्चर बनाइए तो इसीलिए भारत सरकार ने भी वेरियस ट्राइपेटाइट बॉडीज बनाई जैसे कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग लेबर कमिटी इंडस्ट्रियल कमिटीज ठीक है ताकि वो वेरियस इश्यूज पर काम कर सकें ठीक है इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे ठीक है ट्राइपेटाइट बॉडीज इन इंडिया को हम तब डिस्कस करेंगे अब इन ट्राइपेटाइट बॉडीज का मेन एम क्या होता है कि वो डिफरेंट बॉडीज को साथ में लेकर के आए और एक म्यूचुअल सेटलमेंट प्रोसेस जो है बनाया जाए ठीक है चलिए और फिर अगला आपका जो नॉन स्टेट्यूटरी मेजर आ जाता है दैट इज योर कोड ऑफ डिसिप्लिन अब कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है बेसिकली ये एक सेल्फ इम्पोज और म्यूचुअली एग्रीड वॉलेंटरी प्रिंसिपल होते हैं डिसिप्लिन के जो दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स के लिए होते हैं दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में लागू होते हैं ताकि जो रिलेशंस हैं वो इन डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही रहें ठीक है ना मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल्स को ब्रेक करें ना मैनेजमेंट इस डिसिप्लिन को ब्रेक करें और ना ही वर्कर्स इन डिसिप्लिन को ब्रेक करें जैसे एक डिसिप्लिन ये हो सकता है कि अगर वर्कर्स को कोई भी शिकायत है तो वो सीधा स्ट्राइक पर ना चले जाएं पहले इंप्लॉयर्स के साथ बात करें दिस कैन बी अ डिसिप्लिनरी मेजर ठीक है सिमिलरली वर्क सिमिलरलीप्लॉयर्स के लिए ये हो सकता है कि अगर कोई वर्कर उनसे कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है तो वो उस प्रॉब्लम को बिना सुने बिना कुछ देखे बस उसको रिजेक्ट ना कर दें ठीक है वो उसको सुने आराम से बैठें और उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करें तो ये एक डिसिप्लिनरी प्रोसेस हो सकता है जिससे कन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जा सकता है तो इसीलिए जो आपका फिफ्टींथ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1957 में हुआ उसने कुछ प्रिंसिपल्स लेडाउन किए दोनों लेबर और मैनेजमेंट के लिए जिससे उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए उनके कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके पर्सनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का भी इससे भला होगा और सोसाइटी एंड नेशन का भी इससे जो है भला होगा अगर ट्राइपेटेट कंसल्टेशन चलेगा पर फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर आया 1969 में उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो कोड है ये इनिशियल स्टेजेस में तो इसने अपना काम किया लेकिन उसके बाद इट हैज फेल इन टू डिस क्योंकि जो इसने मोटी मोटी बात की थी वो सारे एक्ट्स के अंदर उसको अमेंडमेंट्स वगैरह के थ्रू डाल दिया गया और क्योंकि वो फिर एक्ट के अंदर आ गए थे तो उसके बाद इस एक जो जनरल प्रिंसिपल्स था इसकी कोई एडवांटेज रही नहीं और इसके बाद इसको मॉडिफाई भी क्योंकि नहीं किया गया चलिए कोड ऑफ डिसिप्लिन के बाद आ जाते हैं आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं जो किसी भी स्टैब्लिशमेंट को रेगुलेट करते हैं वहाँ पर जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वर्कर की उसकी वेजेस वगैरह ठीक है ये सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स उस को रेगुलेट करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था ठीक है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिशमेंट बनती है तो उसके बाद उसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स ले डाउन किए जाते हैं ठीक है अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ही जो वर्कर्स की कंडीशन होती है जो इंप्लायमेंट कंडीशन होती हैं जब वर्कर एंटर करता है उससे लेकर के उसके एग्जिट तक का क्या सारा प्रोसेस रहेगा क्या सारा सिस्टम रहेगा वो इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा जाता है अब आपकी ये जो इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 इसको पास किया गया ताकि जो इंप्लायर्स हैं इंडस्ट्रियल डेफि इस्टेब्लिशमेंट के वो क्लियरली डिफाइन कर सकें कि क्या कंडीशन हैं इम्प्लॉयमेंट की किस तरह से वर्कर्स का वर्किंग कंडीशन रहेगा और सारी बातें इससे क्या होता है क्योंकि वर्कर पहले से अवेयर है इन सारी कंडीशंस के बारे में तो डिस्प्यूट के चांसेस कम हो जाते हैं उसको पहले से पता है कि उसके वर्किंग आवर्स इतने रहेंगे उसकी वर्किंग कंडीशंस ये रहेंगी उसकी सैलरी ये रहेगी उसको इंक्रीमेंट इस हिसाब से मिलेगा उसको बोनस इस हिसाब से मिलेगा सब कुछ उसमें क्लियरली डिफाइंड है तो उसके बाद चांसेज जो है वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कि वो डिस्प्यूट के अंदर जाए

अगर वीडियो पसंद आया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगली क्लास हम जो लेंगे वो लेंगे, लेंगे लेबर वेलफेयर के ऊपर इसमें हम थ्योरीज भी देखेंगे लेबर वेलफेयर से रिलेटेड ठीक है अगला चैप्टर हमारा लेबर वेलफेयर हम लोग कवर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ई की प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप लोग आपस में फिर डिस्कशन कर सको और एग्जाम क्लियर करने के चांसेस आप दोनों के ही बेहतर बनेंगे तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों सेहत का ख्याल रखें धन्यवाद बाय